अस्सलाम वालेकुम क्लास, कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 है फॉर्मेटिंग इन वर्ड 2013। इसकी नेक्स्ट रीडिंग करेंगे आज, पेज नंबर है 66, चेंजिंग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। द स्टेप्स टू चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स ऑफ टेक्स्ट आर एज फॉलोज। नंबर 1, क्लिक द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें। नंबर 2, इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करें। नंबर 3, द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जाहिर हो जाएगा। क्लिक द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब, इंडेंट्स और स्पेसिंग टैब पर क्लिक करें। नंबर 4, सेलेक्ट एन अलाइनमेंट्स इन द अलाइनमेंट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू, अलाइनमेंट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अलाइनमेंट्स को सिलेक्ट करें। लेफ्ट टेक्स्ट इन फ्लश विद द लेफ्ट मार्जिन, द राइट मार्जिन इज अन ईवन, दिस इज ऑल्सो द डिफॉल्ट अलाइनमेंट्स ऑफ वर्ड। बाई मार्जिन के साथ फ्लश टेक्स्ट करें, दाई मार्जिन ना हमवार हैं, ये लफ्ज़ की डिफ़ॉल्ट सीध भी है। राइट टेक्स्ट इज फ्लश विद द राइट मार्जिन, द लेफ्ट मार्जिन इज अन ईवन, दाई मार्जिन के साथ मतन फ्लश है, बाई मार्जिन ना हमवार है। फ्लश मीन्स द पैराग्राफ लाइन्स आर डिवेल्ड इवेंटली अलोंग वन ईडिच लेफ्ट और राइट। फ्लश का मतलब है कि पैराग्राफ लाइन को बला आहिर एक किनारे के बाएं या दाएं के साथ बराबर कर दिया जाता है। सेंटर्ड टेक्स्ट इज सेंटर बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जन्स ऑफ अ पेज, मतन किसी सफ़े के बाएं और दाएं हाशियों के दरमियान में होता है। जस्टिफाइड टेक्स्ट इज प्लेस सो दैट बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जन्स आर इवन, मतन रखा गया है ताकि बाएं और दाएं मार्जन्स दोनों बराबर हों। क्लिक ओके, ओके पर क्लिक करें। यहाँ तक आपने रीडिंग याद करनी है।